दोस्तों बिग बॉस सीजन 13 के घर के अंदर आज हमने काफी चीजें देखी। घर के अंदर माहिरा और आसिम के बीच में जो भी कुछ हुआ उसका लेखा जोखा सभी फैंस उन्हें देने जरूर वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएं कि आसिम रियाज और घर के अंदर माहिरा कप्तानी के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आए। जहां आसिम ने पहले कई बातें कही थी कि भाई साथ में ये गेम को खेलेंगे और किस तरीके से आगे जाएंगे, घर में कैप्टनसी कार्य ने कई लोगों के चिट्टे खोल के रख दिए। बात करें शिफाली और आसिम की तो इन दोनों के बीच में आज हमें काफ़ी सारी लड़ाई देखने को मिली। आसिम कई चीज़ें ओवर भी कह गए तो कई चीज़ें जो है शिफाली भी ओवर करती हुई नजर आई। हालांकि शिफाली ने अगर भाव को कैप्टनसी कंटेंडर से हटाया है तो उनके हिसाब से वो कैप्टनसी के लायक ज़्यादा हैं और भाव नहीं रहने वाले, और भाव इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नज़र भी नहीं आ रहे थे गेम के अंदर। दूसरी ओर अब शिफाली और आसिम के जो रिश्ते हैं भाव की वजह से ही ख़राब होते दिख रहे हैं, क्योंकि भाव मिड पॉइंट बने हैं जहां अब आसिम का जो गेम है वो ये चीज़ का हो गया है कि वो अपने आप को राइट प्रूव कर रहे हैं हर जगह। अब कई चीज़ों में इंसान गलत भी होता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आसिम का अगर स्टार्टिंग से गेम देखें तो आसिम का स्टार्टिंग से गेम बहुत अच्छा रहा। जैसे स्टार्टिंग के अंदर घर में वो आए थे तो कोई नहीं जानता था, इतनी पहचान नहीं थी, और अभी आसिम का फैन बेस जो है ना वो बहुत अच्छा है, और इस फैन बेस को जो है ये वो सोच रहे थे कि शायद वो माहिरा को जो है वो खत दे दें। लेकिन अगर गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीज़न अब कुछ खासा बचा नहीं है, डेढ़ महीने मतलब जनवरी और फरवरी के आसपास ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा। 5 हफ्ते बढ़ चुका है तो इस वजह से अब गेम में स्पीड भी आएगी। क्यों? क्योंकि अब कंटेस्टेंट बहुत ज़्यादा हैं और उनके अंदर आपको अपने आप को दावेदार पेश करना है। साथ ही साथ आसिम इस हफ्ते वैसे तो नॉमिनेट नहीं है लेकिन सेफ है, लेकिन नॉमिनेशन के दौरान उन्हें अब दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी क्योंकि घर के अंदर कई लोग उनके खिलाफ हो गए। वहीं आरती को समझाते हुए नजर आए माहिरा के पूरे टास्क के अंदर कि भाई जो था कि मुझे कैप्टन बनना था, माहिरा लास्ट चांस थी। एक तरह से देखा जाए तो वो भी अपना पॉइंट जो है प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका असर लेकिन कैप्टनशिप पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि घर के अंदर सिद्धार्थ, शुक्ला और पारस जो हैं वो काफ़ी ऐसे थे कि यार अब तो मतलब आसिम ने आरती को खत दे दिया है और अगर वो माहिरा को भी खत दे देता है तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कहीं ना कहीं उनकी इमेज आसिम की और अच्छी बन जाती। अब शिफाली और आसिम की लड़ाई की वजह से अब दोनों गेमर दिख रहे हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं तो एक तरह से इनका गेम भी दिख रहा है। पारस और सिद्धार्थ शुक्ला के रिश्ते काफ़ी सुधर गए। इसके अलावा हम बात करें घर के अंदर हो रहे टास्क की, तो टास्क जो है वो टास्क भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ। टास्क इन द सेंस इस टास्क में बिग बॉस ने पावर दे दी पूरी किन्हें, सिद्धार्थ शुक्ला को और पारस को, और घर वालों को उनकी कठपुतली बना दिया। अब वो बिग बॉस की तरह बात करके उन्हें चीज़ें बता रहे हैं कि ये करना है वो करना है। तो इसी के साथ साथ जो ये टास्क है ये एक तरह से उनका टोटली फेवर भी है। अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला और पारस के सीक्रेट रूम में जाने के बाद की बात करें तो उन्हें बहुत बड़े बड़े फेवर मिले हैं नॉमिनेशन से बचाने तक के। अब इसके ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि घर के अंदर नॉमिनेशन जो हुआ उसके अंदर पारस और सिद्धार्थ शुक्ला को स्पेशल पावर दी क्यों गई? ना ही दोनों कोई कैप्टन थे, ना ही इन दोनों को कोई रिवॉर्ड हासिल था कि इन दोनों को पावर दी जाती कि एक को सेव कर लो, ना ही कोई इनके बीच टास्क हुआ क्योंकि टास्क होना भी ज़रूरी था। कहीं ना कहीं ये चीज़ बिग बॉस के बीच में लूपहोल तरीके से है कि उन्हें पावर दी क्यों गई, क्योंकि जब नॉमिनेशन था स्टार्टिंग वाला जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला को पावर दी गई थी तो एज इन कैप्टन दी गई थी क्योंकि उनके पास कोई जिम्मेदारी थी। लेकिन घर में जो ये वाली पावर दी इस पर कई सवाल उठे हैं। इसके अलावा आसिम की इमेज अच्छी हो जाती अगर वो माहिरा को दे देते खत, लेकिन वो निकल जाते कैप्टनसी रेस से बाहर और शायद कैप्टनसी का उनके पास आखिरी चांस था इसीलिए उन्होंने ये काम किया। लेकिन आसिम का ओवरऑल जो है भड़काऊ गेम भी देखने को मिला जब वो हिंदुस्तानी भाव को भड़का रहे थे। अगर उन्होंने पहले ये बात बोल दी थी कि हिंदुस्तानी भाव के पास अगर उनका खत आता है तो वो जो खत है वो फाड़ देंगे, वही चीज़ सेम शिफाली पर होता है। अब शिफाली को भी कंटेंडर बनना है, उन्हें भी कैप्टन बनना है और उनके पास पारस का ऑलरेडी मैसेज आ गया है, चीज़ें बता दी हैं, तो कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि अब चाहे किसी का भी मिले मैं तो फाड़ूंगी, और अब उस चीज़ को जस्टिफाई करती हुई ऐसे नज़र आ रही हैं कि मैंने तो सही नहीं किया, हिंदुस्तानी भाऊ जो थे वो मेरे भाई जैसे थे, तो ये चीज़ें बोलकर उन्होंने अपनी कैप्टनसी को भी दाव पर लगा दिया। क्योंकि अगर घर में सिद्धार्थ शुक्ला और पारस वाला टास्क नहीं होता तो
शायद वोट आउट होते, जैसे पिछली बार हुए थे वोट आउट जब सिद्धार्थ शुक्ला कप्तान बने थे, तो क्या पता वोट आउट होते तो घर में उनको एक बड़ा रीज़न तो उनको ना बनाने का शेफाली का यही मिल जाता ना कि भाई कोई फ़ायदा ही नहीं इनको बनाने का, ये तो खुद ही वोट आउट होना चाहती हैं। तो ये चीज़ें थी आज बिग बॉस के घर में। दूसरी ओर घर के अंदर विशाल और साथ ही साथ बात करें मधुरिमा की, तो इनके जो रिश्ते हैं उन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इनके क्वेश्चन मार्क को हटाने का काम अच्छे से किया आज सिद्धार्थ शुक्ला और पारस ने। पारस को जो टास्क मिला गया था वो काफ़ी अच्छा टास्क था, जहाँ पर लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उनको क्रिएट, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है उन्हें ये लोग ठीक कर सकते थे और आज इन्होंने अच्छा मोटिव भी उठाया। इसके अलावा घर में हम विशाल और मधुरिमा की बात कर रहे थे, तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं हाल फिलहाल घर के अंदर ये काफ़ी अच्छे से नज़र आने की कोशिश कर रहे हैं। जब से मधुरिमा तुल्ली नॉमिनेट हुई हैं उसके बाद से ही विशाल के इर्द गिर्द तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती हैं और काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि सिद्धार्थ शुक्ला के बगैर शो आगे चला। कैसे? वो ऐसे कि सिद्धार्थ शुक्ला के इर्द गिर्द नहीं घुमा, आज काफ़ी हद तक लाइमलाइट मधुरिमा तुल्ली और विशाल लेके गए। पहले तो वो ऐसे लेकर गए क्योंकि उनकी प्यार भरी नोकझोंक थी, फिर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसके बाद वापस से एक दूसरे को मनाते हुए नजर आए। आप अपने एक्सेस हो, आपको आप इससे पहले भी एक शो साथ में करके आ चुके हो, अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करनी होती तो आप तब कर चुके होते, लेकिन अब आप घर के अंदर हो तो एक हिसाब से आप गेम खेलते हुए ही नज़र आ रहे हो और साफ पता चल रहा है कि ये लोग गेम खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक होनी होती या फिर इन्हें एक साथ गेम खेलना होता शुरुआत में तो ये दोनों दिख जाते पहले हफ्ते में एक साथ, क्योंकि पूरे हफ्ते इन्होंने एक दूसरे को इग्नोर किया है, हर छोटे काम के लिए एक दूसरे को अवॉइड किया है और यहाँ तक कि विशाल तो ये कहते भी सुनाई दिए गए थे कि भाई मैं तो मतलब इससे बात भी नहीं करूँगा और कई चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर अगर लव एंगल आता है दोनों के बीच में तो दोनों ही कंटेस्टेंट को फ़ायदा है, एक तो ये फुटेज ज़्यादा मिलेगी और ऑडियंस भी एक तरह से कनेक्ट कर पाती है कई चीज़ों को लेकर, और अगर कनेक्ट कर जाती है तो ये दोनों एज एन कपल तो देखे ही गए हैं, वो भी कहाँ पर, कहानी चंद्रकांता में एक साथ, और इन दोनों का जो लव स्टोरी का जो भी टंटा था वो वहीं से शुरू हुआ था। दूसरी ओर इन दोनों के जो बीच की दरारें हैं वो आने वाले टाइम पे भर सकती हैं, लेकिन जो यहाँ पर जिस तरीके से जेलेसी फैक्टर दिखाया ना मधुरिमा ने, वो कहीं ना कहीं रियलिटी भी बयां करती कि क्या पता इनका जो भी है वो रियल हो रहा हो, क्योंकि मधुरिमा यहाँ पर ये कहती हुई नज़र आई कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ ही चिपके रहना, अब उन्हें यहाँ पर जेलेसी हो रही है तो कहीं ना कहीं प्यार भी होगा और 2 साल अगर ये दोनों साथ में रहें तो कोई ना कोई तो खतरनाक वजह होगी जो इन दोनों को तोड़ रही है। बहरहाल आपको बता दें कि बिग बॉस का जो आज का दिन था वो पूरी तरीके से टास्क के नाम रहा सिद्धार्थ शुक्ला और पारस के। घर वालों को उन्होंने कठपुतली बनाया और कठपुतली बनाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने आज जो गेम पूरा ओवरटेक किया, लोगों की जो लड़ाइयाँ थी वो दिखाई, वो बहुत शानदार तरीके से थी, जहाँ रश्मि, आसिम, शिफाली और विकास गुप्ता ये 4 कंटेस्टेंट आए और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि विकास गुप्ता ही बनेंगे कप्तान और विकास गुप्ता कप्तान बनते भी हैं। इसके अलावा आसिम और शिफाली जरीवाला और रश्मि को कप्तान ना बनाने की भी उनके पास 3 बड़ी वजह मिल चुकी थी उनको। आसिम को ये बड़ी वजह मिल गई थी, एक तो मायरा को खत नहीं दिया, ऊपर से इनके रिलेशन इनके साथ अच्छे है ही कहाँ, दूसरा रश्मि के साथ भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक सी हो गई थी, रश्मि के साथ चीज़ें ऐसे हेक्टिक हो गई थी कि घर के अंदर दोनों की रश्मि से बननी बंद हो गई थी और रश्मि से शायद ही घर के अंदर अब किसी की बनती है, वो हमेशा ही अपने मतलब के लिए अब आती हैं, जो भी है उनका आराम के साथ ही है। और तीसरा शिफाली जरीवाला को तो सिद्धार्थ शुक्ला ने पहले ही पलटू का है और ये बात तो कही है कि इनका गेम जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, बाकी लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों का गेम अफेक्ट कर रही है। बिग बॉस के घर में ये सारी चीज़ें होती दिख रही हैं और अब कप्तान बने विकास गुप्ता तो कप्तानी कैसे निभाएंगे, इसके अलावा देखना होगा कि घर के अंदर शहनाज और जो माहिरा है उनका जो दिल टूटा है उसे वापस घर में आके सिद्धार्थ शुक्ला और पारस कैसे मनाते हैं, क्योंकि आज जो भी पूरा टास्क हुआ माहिरा और शहनाज के लिए हुआ हुआ ऐसा लग रहा था, दोनों को इतना स्पेशल फील कराया गया, शहनाज को कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत बुरा भी लगा कि यार मेरे को अब ऐसे बात करते हैं, वैसे तो बात ही नहीं करते आके घर में, सॉरी बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब टास्क के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा आज आसिम का गेम भी देखने को ये मिला कि आसिम अब गेम खेल रहे हैं, अब दोस्ती वोस्ती उनकी जो शुरुआत में थी अब वो दूर हो गए हैं, तो अब दोस्त उनका कोई है नहीं घर के अंदर,
आज का पूरा एपिसोड बहुत शानदार था। और इसके अलावा आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप बिग बॉस के कितने बड़े फ़ैन, आपको बिग बॉस का जो फेवरेट कंटेस्टेंट है वो कौन लगता है। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, क्योंकि बिग बॉस से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।